नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Tab A7 Lite Ultra versus Lenovo Tab M8 FHD का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Tab A7 Lite में 8.37 इंच जबकि M8 FHD में 4.83 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Tab A7 Lite से कम है। विड्थ की बात करें तो Tab A7 Lite में 4.91 इंच जबकि M8 FHD में 7.8 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Tab A7 Lite में 0.31 इंच जबकि M8 FHD में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Tab A7 Lite में 371 ग्राम जबकि M8 FHD में 305 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Tab A7 Lite में TFT जबकि M8 FHD में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Tab A7 Lite में 8.7 इंचेस जबकि M8 FHD में 8.0 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Tab A7 Lite में 800x1340 और M8 FHD में 1200x1920 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Tab A7 Lite में 81.3% जबकि M8 FHD में 76.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Tab A7 Lite में 179 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M8 FHD में 283 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Tab A7 Lite में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और M8 FHD की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Tab A7 Lite में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और M8 FHD की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Tab A7 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और M8 FHD में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों टैब में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Tab A7 Lite में MediaTek Helio P22T और M8 FHD में MediaTek Helio P22 मिलता है। बात करें RAM की तो Tab A7 Lite में 3 GB जबकि M8 FHD में 4 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Tab A7 Lite में 32 GB जबकि M8 FHD में 64 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Tab A7 Lite में अप टू 1 TB जबकि M8 FHD में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Tab A7 Lite में Android V11 जबकि M8 FHD में Android V9.0 पाई देखने को मिलती है। बैटरी Tab A7 Lite में 5100 mAh जबकि M8 FHD में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Tab A7 Lite में 2 कलर्स जबकि M8 FHD में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Tab A7 Lite 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ ₹11,972 में मिल जाता है, और बात करें M8 FHD की तो वो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹12,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy Tab A7 Lite Ultra में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Lenovo Tab M8 FHD की तो उसमें 2 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में M8 FHD आगे है,
फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें लेनोवो टैब M10 FHD प्लस है, दूसरा Acer 110T4 है, तीसरा Acer 184 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें लेनोवो टैब के 10 एल्ट है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।